सबको उन्होंने सहमति बना ली थी कि भाई ये ऐसा है जीतेंगे तो टी शर्ट निकालनी पड़ेगी बेसिक ऑफ से उनका पूरा गुस्सा था तो उन्होंने दिखाया टी शर्ट निकाल के घुमाया लॉर्ड्स की बैलकनी पे आ, आ, और लोग को जब मुड़ के उन्होंने देखा तो कोई था ही नहीं अकेले वही कर रहे थे सब लोग थोड़ा सा शायद उनको शर्म आ गई थी कि भाई क्यों टी शर्ट निकालें या, या। युवराज सिंह को सारे अड्डे मालूम है मुंबई में जब भी हो तो मुंबई में उनको पता है यहाँ ये नया खुला है क्लब यहाँ चलते हैं यहाँ चलते हैं दिल्ली में ये नई जगह आई यहाँ चलने की उनको सब मालूम था hmm. तो हम लोग आए कांटेक्ट में माहिर थे मैं युवराज सिंह सिंह पॉइंट पे मैं कवर्स पे दोनों बिल्कुल करीब होते थे कि जब स्टार्ट लगे दोनों आगे आते थे, तो यहाँ मिलते थे हमेशा तो मुझे देखा को देखा फिर लेकिन हेलो केफ। वेलकम टू आफ्टर आज थैंक यू

सोशल uh, मीडिया का ज़माना है तो मैं बार बार देखता हूँ वो वीडियो चलता रहता है hmm. कि फ्रंट ऑफ आए थे इंडिया जब इंग्लैंड यहाँ खेलने आई थी वान खेड़े पे हम हार गए क्लोज मैच टू फोर्टी चेस करने थे हम जीत नहीं पाए और तब उन्होंने वो वन खेड़े पर टी शर्ट निकाल के एक एक लैप लिया था वहाँ पे तो वो थोड़ा एम्बेसिंग मोमेंट था इंडियन क्रिकेट के लिए भी था और गांगली खासतौर पर एज ए कैप्टन एंड दैट स्टार्टेड इन इंग्लैंड बिकॉज दे आर प्लेइंग फॉर काउंटी सेम टीम फ्लिंट ऑफ और गांगली उनका कहानी उससे पहले की है तो फ्लिंट ऑफ का कुछ था पहले से उनका इशू की दादा थोड़ा ऑफकोर्स बिंग बिंग दादा लेट बैक कभी कभी वो शायद इतना अनुशासन में भरोसा नहीं कि हाँ ऑन टाइम ही सारे काम करने वो दादा नहीं है अगर दादा से उम्मीद करोगे भाई कि शो में आना आपने टेन ओ का टाइम दिया है और टेन ओ वो जाएंगे तो शायद आप आपकी गलती उसमें दादा गलती नहीं जाता हमेशा पंद्रह बीस मिनट लेट आते हैं तो उस उस टाइम पे वहां से कुछ था कि लेट बैक थे या जो भी उनका इशू रहा होगा देन ने उनको क्लोज uh, जी, मैच uh, जीतने के बाद थोड़ा सा गुस्सा दिखाया टी शर्ट निकाली और दादा के जहन में था दादा इट पर्सनली बेसिकली तो वेन वी हैड गॉन टू इंग्लैंड फॉर द सीरीज नेटवेस्ट ट्रॉफी वो पोस्ट uh, टाइम पे 2002 में तो आप इंडिया से बाहर जीतना बड़ा मुश्किल काम था और भी इंग्लैंड में तो वह सब कहानियाँ थी बहुत सारे फाइनल्स हम हार रहे थे लगातार तो दबाव में थे कि हाँ लीग में अच्छा खेलते हैं पर ज़्यादा की टीम फाइनल नहीं जीत पाती नहीं। ऐसा भी एक एक कहानी बन चुकी थी और वहाँ तीन सौ तीन सौ पच्चीस लग गए बोर्ड पे हमने कहा भाई ये लो गए फिर गए दोबारा <laughs> फाइनल चला गया अब ये तीन सौ पच्चीस तो बिल्कुल नहीं बनने वाले नहीं। और जैसा भी वो दादा ने बात करी कि भाई यू नो हारे नहीं है दस ओवर में ऐसे खेलेंगे प्लान किया सौ बनाएंगे विकेट नहीं गवाओ नॉर्मल खेलना है सब प्लानिंग ज़्यादा की थी और उसका खेले भी ज़्यादा जब बोले वो करके भी आया उससे तो अच्छा खेले पर बहरहाल तो लास्ट तक मैच गया मैं और जैक पे थे मैच जीते 325 सौ चेज हुए लॉर्ड्स की बालकनी पे और दादा ने प्लान किया था कि अगर जीत गए तो सचिन द्रविड कुम्बले भज्जी सबको उन्होंने सहमति बना ली थी कि भाई ये ऐसा है जीतेंगे तो टी शर्ट निकालनी पड़ेगी ठीक <laughs> है तो सबने हाथ तो कर दी पहले लोग यार जीत तो पाएंगे नहीं क्योंकि दादा ने अपना टी शर्ट निकाली वो फ्लिंट ऑफ को बेसिक फ्लिंट ऑफ से उनका पूरा गुस्सा था तो उन्होंने दिखाया टी शर्ट निकाल के घुमाया लॉर्ड्स की बैलकनी पे और लोग को जब मुड़ के उन्होंने देखा तो कोई था ही नहीं अकेले वही कर रहे थे सब लोग थोड़ा

इक्कीस साल के थे हाँ साल मैं यूही मैं युवराज सिंह आशीष नेहरा सहवाग इक्कीस बाईस भज्जी इक्कीस बाईस साल के ही थे हम लोग और इट वॉज अ बिग मोमेंट फॉर फॉर मी स्पेशली बिकॉज यू नो आई वॉज बैटिंग एट नंबर सेवन हैड टू कीप विकेट टू टू मेक श्योर कि आई प्ले इन द इलेवन अदरवाइज मैच शायद मेरी जगह नहीं बनती ग्यारह में तो वो कीपिंग कर रहे थे वो गांगुली ने कीपिंग करवाई उनको कि भाई तू तो कीपिंग कर uh, तुम तो मुझे कैफ मिल जाएगा कैफ नंबर सात बैटिंग करेगा फील्डिंग करता है कैफ युवाज यंग लोग को मुझे आगे लेके चलना है ऐसा उनका प्लान था hmm. और यू you नो know, मैं धन्यवाद करता हूँ द्रविड़ का भी जब भी मुझे मिलता है थैंक यू बोलता हूँ बॉस के बिकॉज ऑफ यू आई गॉट द चांस इन द फर्स्ट एलेवन बिकॉज यू स्टार्टेड कीपिंग विकेट सो आई हैड अ चांस टू यू नो प्ले इन द इलेवन एंड उसके बाद सात नंबर पे बड़ी कहानियाँ हैं बेसिकली हम जब बड़े हो रहे थे हमने देखा था कि यार सात नंबर पर ना अगर सचिन आउट हुआ तो इंडिया टीम हार गई ये तय मानो जो हम हम जब बड़े होते हैं नाइन्टी टू की बात करो नाइन्टी टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट की बात कर रहा हूँ जब हम बारह तेरह साल के थे हॉस्टल में था तो मैं तो मैंने कहा ये सचिन के बाद तो लोग टीवी बंद कर देते हैं सचिन आउट हुआ तो लोग क्या मतलब ऐसा मतलब वी शू फील वेरी बैड कि दो uh, ही नहीं पता मतलब तो हो और इनफैक्ट जीता हुआ मैच हार ही सचिन के आउट होने के बाद तो हम जब बड़े हुए तो हमने ऐसा उनको देखा और जब हम अंडर ग्राउंडली खेलने आए तो हमको लगा नहीं यार the faith, the द the hard work, you know, we all come from a smaller town and we are passionate about the game and you know कि इंडिया के लिए खेल रहे हैं यार जान निछावर कर देती है कुछ भी करके वो जैसे फील्डिंग में था कि डाइव मार के बॉल रोकनी बॉल नहीं जाएगी उस तरह hmm. था एटीट्यूड कि यार ये जिताना है मैच तो वो हार नहीं मानना अंत तक मेरे ख्याल से वो हमको फायदा मिल गया मुझे युवराज सिंह भी सवाग और उस तरह से हम शायद वो मैच इसलिए जीत पाए कि वो बिलीफ फेथ था अपने खेल पे hmm. लॉर्ड्स पर दिखा आपने फील्डिंग की बात करी और आपने कहीं बोला था मैंने सुना कि किसी ने आपको बोला कि कैफ अपना बच्चा छोड़ देगा <laughs> <laughs> पर कैच नहीं छोड़ेगा एंड आई थिंक यू वर इंस्ट्रूमेंटल इन इंट्रोड्यूसिंग यू नो बीइंग फिट एथलेटिक एंड क्विक ऑन योर फीट टू द इंडियन टीम मैं आपको एक वॉक सुनाता हूं कि ये फील्डिंग ना जब जॉनराइट हमारे कोच थे 2002 में आए थे जब गांगुली और जॉनराइट साथ में इन्होंने स्टार्ट किया था कोच और कैप्टन दोनों बने तो उनका था कि यार वी हैव टू बिकम अ बेस्ट फील्डिंग टीम इन द वर्ल्ड एंड नो वी ऑल हैव टू वर्क हार्डर वी ऑल हैव द स्किल बट फील्डिंग ही बहुत पीछे हम लोग ये जॉन राइट का मानना था और गांगुली भी हाँ हाँ कर रहे थे उसमें तो ट्रेनिंग uh, कैंप लगा सचिन लक्ष्मण द्रविड सबको बोला गया बॉस यू नो वी हैव टू नो कि हमारे पास एग्जाम्पल uh, है ना वी हैव मोहम्मद कैफ वी हैव सिंह वी हैव

मेजर पार्ट ऑफ द गेम एंड एंड इट कैन डिसाइड डिसाइड कि कौन जीतेगा कैच छूट गया तो फिर आप हार भी जाते हो पकड़ लिया अच्छा कैच तो आप मैच जीत भी जाते हूँ तो कैच का फैक्टर है तो सबने ट्राई किया सबने बोला हाँ हाँ जॉन राइड एक नई एनर्जी लेके आए थे टी यू नो एज अ कोच की बाहर से कोच आए हैं और अच्छा बंदा है वे डाउन तो, डाउन टू अर्थ और पोलाइट बंदा था उनकी रिस्पेक्ट बहुत थी एज अ कोच तो सब ट्राई किया डाई मारा प्रैक्टिस कर रहे हैं पर उनसे नहीं हो पाया Hmm. सचिन से नहीं हो पाया वो गिरे थोड़ा चोट लग गई कहीं इनको नो मसल पुल हो गया कहीं छिल छिलविल गए और फिर दस बारह पंद्रह दिन को पंद्रह दिन बाहर हो गए आप गेम से आप मैच नहीं खेल पा रहे प्रैक्टिस भी नहीं आ पा रहे तो उनको लगाया तो तो ट्राई किया पर हो नहीं पाया कि मैं उनका एक जो लेवल था जहाँ तक वो पहुंच चुके थे वहीं तक थे बस hmm. कि ये नहीं कि मेरे मुझे देख के वो बहुत ही उन्होंने इंप्रूवमेंट दिखा दिया और या जॉनर डे कहने पर फील्डिंग ऐसी चीज़ें मैं बोलता हूँ लोगों की आप छोटे समय से आप जब युवा हैं यंग हैं तब आपको ज़्यादा फील्डिंग करना चाहिए जैसे मैं आठ नौ साल का था और ये वाक्य है फुटबॉल का फुटबॉल मैंने बहुत खेला और वहाँ से आई 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 लर्न टू फॉल आप जब गेम गेम में मज़े मज़े में आप गिरना शुरू कर देते हो स्लाइड मारना शुरू कर देते हो चोट लगती है पर यू एंजॉय बिकॉज यू आर प्लेइंग विथ योर कलीग एंड फ्रेंड्स एंड ऑल यू आर यू नो इन द फील्ड बेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड यार जहाँ फील्ड पे हो बारिश हो रही है और इससे अच्छा मतलब इससे अच्छा मज़े वाली बात कुछ होती नहीं लाइफ में hmm. मेरे ख्याल से मैंने hmm. जो रियलाइज़ किया और मेरी याददाश्त वही बैठा हुआ मेरा मैं घूम फिर के बचपन में जाता हूँ हमेशा कि आज बारह साल का था बारिश का वेट कर रहा हूँ यार बारिश हो तो फुटबॉल खेला जाए डाइव hmm. मारा जाए ग्राउंड पे तो और जब डाइव मारना सीख मतलब डाइव मारना सीखा नहीं पर एक हो गया कि नेचुरल इंस्टिंक्ट डेवलप हो गया हाँ, गिर के चोट लगी कोई बात नहीं पर आगे बढ़ना है hmm. यू hmm. तो वो मुझे बचपन से आ गया था युवराज सिंह ने वही आप सेम चीज बोलेंगे युवराज सिंह जो डाइव मारते हैं उनसे भी आप पूछोगे लोग बोलेंगे यार बचपन से आपको ट्रेनिंग करनी पड़ती hmm. है तो हमें शायद फायदा मिल गया hmm. आ, छोटे शहर से छोटे शहर से आए फील्ड बहुत थी ग्राउंड खुले खुले थे हम लोग खेलते थे गिरते थे

एंड थोड़ा अपना मतलब रणजी का भी एक्सपीरियंस शेयर करो हमारे साथ देखिए फादर वाज़ अ फर्स्ट क्लास प्लेयर ही प्लेड ऑलमोस्ट सेवेंटीन इयर्स रणजी ट्रॉफी साठ बासठ मैच खेले फर्स्ट क्लास के तो जब मैं बड़ा हो रहा तो मेरे घर में ही मैंने स्टार्ट किया मैंने होश संभाला यहाँ बैट पड़ा हुआ है लिखा यहाँ ग्लव्स रखा हुआ है किट बैग पड़े हुए हैं पुराने उस टाइम पे ना आते थे पैड पैड भी उस टाइम पे वो आते थे आ, जिसमें पीछे यहाँ नेल होती थी और खींच के ना नेल पे ऐसे बांध के अभी तो अब तो स्ट्रैप आ गया है पहले पापा के जो पैड था वो मुझे याद है कि वो लेदर का एक रस्सी थी उसको ऐसे खींच के बांधना होता था नेल के अंदर वो उसको फिक्स करते थे तो वो पैड याद है मुझे उसमें अंदर लकड़ी लगी होती थी रुई के साथ वो अंदर वो वाला ज़माना देखा मैंने और हमने यूज़ किया पैड उनके बहुत सारे तो होश संभाला देखा वो हैंगिंग बॉल जो होती है इसे आप प्रैक्टिस करते हो वो सॉक्स में पापा ने लटकाई हुई थी तो मुझसे जो बड़े भाई भी मुझसे वो भी खेले क्रिकेट और वो प्रैक्टिस कर रहे थे तो मेरा जो याददाश्त है दस बारह साल के समझना स्टार्ट किया तो घर में वो टक 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 आवाजें आ रही थी कि आ, ये खिलाड़ी फैमिली है क्रिकेट पहले से जाना चल रहा है तो मेरे लिए तो कोई बहुत बड़ा शिफ्ट नहीं था कि मैं कोई यू नो मेरे फादर कोई बिजनेसमैन है या बहुत बड़ा कॉपरेट कोई इस चीज़ में काम बिजी है काम कर रहे हैं मैं तो वो भी खिलाड़ी थे खेल के उन्होंने जॉब कमाई रेलवे में जॉब करी और वही पैटर्न पर हमने स्टार्ट कर दिया कि यार हमको भी खेल के आगे बढ़ना है तो पढ़ाई का इतना बहुत बस स्कोप वहाँ छोटे शहर में कम था उस टाइम पर मैं बता रहा हूँ नाइन्टीज़ की बात कर रहा हूँ तो हम लोग भी खेल में लग गए दो बड़े भाई थे घर में मैं था और मोहल्ले में जहाँ मैं बड़ा हुआ था वहाँ भी इन्वामेंट क्रिकेट का ही था टेनिस बॉल बहुत खेला हमने टेनिस बॉल बहुत खेला और टेनिस बॉल में और और, और शौक था लोगों को वहाँ प्रॉपर खेलते थे मतलब टेनिस बॉल ऐसा कि मान लो दस मीटर की ये बाउंड्री है अभी तो बाद में पचास से साठ मीटर की बाउंड्री भी खेले पर दस मीटर की बाउंड्री है अब मैं डिफेंस किया दीवार बॉल लगी अब आउट हो गए ये बोलते हैं गले क्रिकेट जिसको बोलते हैं कैक, तो कैक, ये हमने बहुत खेला उसमें कॉमन सेंस बढ़ गया उसमें क्या हो गया भाई कंट्रोल करना बैट से कैसे डिफेंस करना मैं अगर तेज मार दे तो आप डायरेक्टली वहां लग गई बॉल तो आप आउट हो गए इलाहाबाद में जो से बड़ा हुआ हूँ वहाँ टेनिस बॉल बहुत था मेरे दोनों बड़े भाई टेनिस बॉल बहुत खेलते थे तो एक ऐसा एक पल था जहाँ टीमें आ, हमको बुलाने आया करती थी कि यार तीनों भाइयों को ले चलो घर से तो क्योंकि बड़ा भाई आसिफ सैफ और मैं कैफ तो तीन लोग थे तो दो तो पहले अच्छा खेलते थे फिर मैं भी जुड़ गया उनके साथ तो तीनों लोग टेनिस बॉल खेलने वो मुझे याद है कि हम छत पे सो रहे हैं गर्मी में तो नीचे आवाजें लग रही है अबे अबे आसिफ हुआ वहाँ बोलते ना यूपी में ऐसे बंद आशिफ हुआ चल भैया मैच है आज तो वो आसिफ भाई तैयार हो गए उठो उठो चलो नीचे लेने आ गए तो हम ना तीनों भाई अपना थोड़ा सा थोड़ा सा चेहरा साफ किया पानी डाला और निकल गए खेलने तो ये हमारा रूटीन था वहाँ सुबह उठ के मतलब सूरज उगने से पहले हम ग्राउंड पहुँच जाते थे ये हाबाद का टेनिस बॉल का रूटीन था तो बहुत मैचेस खेले हैं वहां पे फादर हमारे खेल में थे उनसे सीखने को मिला सीखने को ये मिला कि ज्यादा कोचिंग नहीं करनी है मेरा फादर इतना रणजी ट्रॉफी खेले हैं बासठ मैच खेले हैं वो पर उन्होंने कभी हम लोग को ज्यादा ओवर कोचिंग नहीं करी है कि पापा हैं तो बहुत बताएंगे और यू नो टेक्निक के बारे में बताएंगे या सर के बारे में बताएंगे कैसे खेलना चाहिए ही वॉज अ वेरी पेशेंट

और साइकिल से जाते थे साइकिल करके आते थे घंटों साइकिल चलाने के बाद हम ग्राउंड पे पहुंचते थे तो और कहीं कोई जगह आठ बजे का मैच है तो हम यहाँ साढ़े पाँच छः बजे निकल जाते थे भाई एक घंटा लगेगा पहुंचने में तो बचपन से वो एक मेहनत की आदत पड़ गई जो फिटनेस के लोग मुझे कनेक्शन बैठाते हैं कि यार कैफ ना बहुत फिट है तो मैंने कहा जर्नी स्टार्ट वहीं से हुई जहाँ मैंने नो स्विमिंग बहुत करी संगम के आसपास यमुना जमना बहुत स्विमिंग करी और स्विमिंग का अगर वाक्य बताओ तो स्विमिंग हम लोग जमुना अगर आप क्रॉस करो तो करीब डेढ़ किलोमीटर की है वो जमुना इस एंड से उस एंड पे डेढ़ किलोमीटर की वो डेप्थ है या लंबाई है तो हम स्विमिंग करते थे और उस छोर जाने के बाद ना वहाँ खेत था ककड़ी तरबूज की वहाँ खेती हो रही है तो आप वहाँ पहुँचे वहाँ हमने नो फल फ्रूट खाया तरबूज खाया ककड़ी खाई खावा के फिर वापस स्विमिंग करके तो वो प्रोसेस में कम से कम तीन घंटे लगते हैं आपको एक घंटा जाना आधा घंटा वहाँ चिल करना वापस आना और फिर घर पहुँचना तीन चार घंटे का प्रोसेस था एवरी मॉर्निंग तो हम स्विमिंग करके बड़े हुए हम साइकिल चला के बड़े हुए और फुटबॉल बहुत खेली तो जो हमारा जो इन्वायरमेंट था घर पे खास तौर पर मेरा कि वो बाहर बहुत हमने एक्टिविटी uh, करी तभी तो यू वो सो क्विक ऑन योर फीट मतलब आ, मैंने सुना था कि

लंबी पारी कैसे खेलनी चाहिए थोड़ा सा गाइड करिए और सचिन सच ना हम्बल मैन उनसे अगर आपने क्रिकेट की बात कर ली तो आपको इतनी आराम से बात करेंगे आपको जान अपना काम छोड़ देंगे वो फ़ोन छोड़ देंगे वो मीटिंग छोड़ देंगे पर क्रिकेट की अगर बात आपने सवाल पूछ लिया एज अ जूनियर प्लेयर कि आप युवा हो टीम में आए हो कि पाजी ये शॉट कैसे मारना ये कैसे है या लंबी पारी कैसे खेलनी है आपको वो जब तक कन्विंस नहीं कर देंगे ना आप खुद बोलोगे पाजी मैं जा रहा हूँ वो नहीं हटेंगे इतना इतनी यू नो शौक क्रिकेट का बंदा पैदा ही हुआ है क्रिकेट खेलने के लिए ये मैंने उनके साथ खेल के सीखा उनके साथ रह के सीखा कि इस बंदे को खुदा ने जो तराशा है ना बहुत आराम से बनाया कि भाई जा तू धरती पे और क्रिकेट पे में जाओ खेलो रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बनाओ वो बने ही थे क्रिकेट खेलने के लिए ये मैंने उनके साथ टाइम बिता के सीखा तो वो बोले यार क्या नया बॉल मान लो मैग्राट डाल रहा है बॉल उनकी बॉल पढ़ के नो मुश्किल मुश्किल पिच है बॉल बहुत मूव कर रहा है तो तुम्हारे पास जो ताकत है वो हम सबके पास नहीं है कि आपने अगर बैट पे डिफेंस भी किया बॉल यहाँ गिरी आप सिंगल ले सकते हो तो आपको अच्छी बॉल पे सिंगल मिल रहा है वो क्वालिटी आपके पास है आप तेज भाग तो अच्छी कॉलिंग है आपकी तो, तो जो जोखिम है वो आपको कम उठाना है यार रन नहीं बन रहे

मतलब मेरी ताकत का एहसास करा रहा है कि भाई ये तुम्हारी ताकत है कंडीशन में ये किया भाग गए तो छह बॉल पे चार पांच हार्टी शॉर्ट इन द एयर जोखिम उठा रहा हूँ थैंक यू सो मच मतलब आपने बहुत छोटी बात बताई पर ये बहुत लोगों ने मुझे आज तक नहीं बोला कि यार तुम्हारी ताकत क्या है ताकत को समझना कि आपकी की स्ट्रेंथ क्या है वो सबसे बड़ा पहलू होता है खेल में बट आपको ऐसे इरिटेशन नहीं होती थी, थी क्योंकि आई 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 फ्रॉम रिमेंबर एट द टाइम दैर यू वर प्लेइंग प्लेंग हाफ द टीम वॉज लाइक सीनियर्स एंड हाफ द टीम वॉज लाइक फिट यंग ट्वेंटी वन ईयर ओल्ड्स राइट फॉर एटलीस्ट अ फ्यू ईयर्स तो आपको कभी तो ऐसे लगता होगा कि यार अरे दो रन ले, ले लेते हैं ना <laughs> थोड़ा तेज <थेस> भाग <बांग> <laughs> हमारे कैप्टन थे यूपी में है ना वो ज्ञान पांडे वो रंजय कैप्टन मेरे फर्स्ट कैप्टन थे तो उनके अंदर अंडर में डेब्यू किया हमारे कैप्टन तो तो वो आ, जब भी मैं बैटिंग करने जाऊं या मैं बैट, बैटिंग कर रहा हूं वो आ रहे बाद में बैटिंग करने मैं नंबर तीन खेलता था और नंबर छः सात खेलते थे पाँच छः नंबर पे तो वो आते थे और विकेट गिरा वो आ रहे बैटिंग करने तो उनका पहला शब्द क्या होता था आपको पता है तो ये नहीं पूछा था कि यार क्या बॉल घूम रहा टर्न हो रहा है क्या हो रहा है या सींग हो रही है या बॉलिंग कैसे बॉल डाल रहा है क्या चल रहा है वो पहला सवाल और पहली बात जो बोलते बोलते थे यार देखो तुम तेज हो मैं स्लो हूं <laughs> आउट नहीं होना <laughs> हाँ. तो तो आता है तो हंसता हूँ वो बात सुन के वो ये कुछ नहीं पूछते थे, थे कि यार क्या बॉल घूम रहा है क्या अमूमन जैसे आप नया बल्लेबाज क्रेस पे आता है तो आप पूछते हो कि यार वो बॉलर बॉल डाल क्या बॉल स्विंग हो रहा है क्या क्या पढ़ के कट हो रहा है या कितना डिग्री या कैसे खेलू

ये ये बहुत बहुत कम होता है मतलब एक एक तो तो वो 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 नंबर नंबर खेलते थे पांच नंबर वो पे दरवेट, फिर पे फिर तो बार ऐसा वाक्य हुआ कि जहां मैं युवराज के साथ बैटिंग कर रहा होता था बहुत बार ऐसा हुआ कि बात के होवर्स में हम लोग साथ में होते थे और ये मैंने रियलाइज किया है कि ना बहुत कम प्लेयर में होता है आपकी हाँ, इन इन हाँ इन तो इन जो बहुत लोग नेटवर्स ट्रॉफी के बाद बार बार इसलिए करते हैं क्योंकि नेटवर्स ट्रॉफी में और युवा के साथ पहले भी मैं जब अंडर नाइनटीन वर्ल्ड कप खेला मैं कैप्टन थे वो हमारे मेरी टीम में थे जब दो में हम जीते फर्स्ट टाइम वर्ल्ड कप जीते अंडर नाइनटीन वो अंडर नाइनटीन वर्ल्ड कप था श्रीलंका तो वो मुझे याद है कि हम लोग ना रन जो लेते थे वो आँख में आँख मिला के कोई कॉलिंग नहीं कोई जबान से कुछ नहीं बोलना चिल्लाना कुछ नहीं तो चिल्लाने से क्या होता है कि हाँ ऐसे आपने खेला

जो कि बहुत करीब होता है कि आपने ऐसे कर डिफेंस किया तो सिंगल नहीं है। hmm. दुनिया के बेस्ट फील्डर में आते हैं। खड़े थे वो 2002 में लॉट्स पे पर हमें नहीं नहीं कर वो। hmm. मुझे को नहीं कर पाया वो। मुझे हमने हाथ हाथ से रन भाग गई ऐसे मैंने डिफेंस किया यहाँ जा रही hmm. hmm. यार हो अपने करियर में ऐसी जो केमिस्ट्री देखी नहीं मैंने एंड मैच जीत गया हम लोग सिंगल सिंगल डबल करके छक्का चौका सबको याद हो बार बार आते हैं मैं देखता हूँ तो वहाँ छक्का दिखाते हैं युवराज सिंह का मेरा छक्का दिखाते हैं वो गांगुली ऊपर वो से लॉर्ड से बोलता है सिंगल लो युवराज को स्ट्राइक दो और मैं छक्का मारता हूँ ये बहुत बार दिखाते हैं मैंने बहुत बार देखा है और मेरे पिताजी तो घर में बैठे होते हैं वो जहाँ रिमोट पर चैनल शफल किया मेरा मैच चल रहा होता है क्या फिर फ़ोन करते हैं मुझे मैं कहीं मीटिंग में या कहीं बाहर हूँ मुंबई में तो हाँ तुम्हारा मैच आ रहा है

यू नो नॉट सेलिब्रेटेड एज मच एज ही ऑट टू हैव क्योंकि hmm. आप लोग के टाइम पे सोशल मीडिया वगैरह नहीं था यू hmm. नो you know, जितनी आज चीजें एक्सेसिबल हैं इजिली आप मैच फोन पे देख सकते हो यू नो ऑफिस जाते चाहे रिक्शा में बैठते yeah, yeah. तब देख सकते हो तब इतना आसानी था हमें टीवी पे इट वॉज लाइक अ ग्रुप कम्यूनल एक्टिविटी है ना तो ऑफकोर्स सोशल मीडिया की वजह से आपकी स्टार्डम भी बहुत जल्दी ग्रो करती hmm. है यू hmm. नो you know, जो आजकल के क्रिकेटर्स काफी उसका इन्जॉय करते हैंट्रा एक्सेट्रा तो पहला आई वॉन्ट टू आस्क यू की एज यू आर गेटिंग इन टू अट लाइक दिस आपको पता है कि फिटनेस पे ही बेस्ड होता है ये और आप एक सर्टन एज तक ही खेल सकते हो तो एक सवाल यह कि क्या डर लगता है गोइंग इन टू इट कि यू नो ये टेन्योर इंजीनियर जैसा नहीं है ना कि यू कैन वर्क टिल योर सिक्सटी सिक्सटी फाइव इट्स लाइक आई एम वर्किंग टिल रिक्वायरमेंट ऑफ द स्पोर्ट एंड दूसरा आफ्टर दैट वॉट डज कंटिन्यू नॉट स्टिंग रेलिवेंट बट जस्ट नो फॉर वट देव डन मेरे ख्याल से uh, मैं जो जिसके साथ मैंने खेला उसके बारे में बता सकता हूँ कि वो कैसे उनका अप्रोच था कि

जब आप उस मोमेंट में होते हो तो मैं तो बोलता हूँ वो सचिन को इतना फायदा हुआ कि सोशल मीडिया नहीं था उस टाइम पे ही वॉज नॉट वेरी डिस्ट्रैक्टेड ही वॉज कमिटेड टू इज ट्रेनिंग प्लेइंग फॉर इंडिया विनिंग द गेम स्कोरिंग रन सो यू हैव टू मेक द गेम सिंपल सिंपल कैसे होगा जब आप डिस्ट्रेक्शन नहीं हैं लोग क्या बोल रहे हैं आपके बारे में क्या लिख रहे हैं यू शुड नॉट केयर मे यू यू गेट आउट यू नो दैट यू प्लेड अ बैड शॉट और यू नो एज़ अ प्लेयर यू यू नो वट मिस्टेक यू हैव मेड कनेक्शन कैसे करना है पता होता हूँ आपको कि मुझे ट्रेनिंग करनी है बेटर प्रैक्टिस करनी है बार बार अब क्या है आपने आउट हुए दस लोग बाहर बोल रहे हैं तो अगर वहाँ लोग क्या बोल रहे हैं वहाँ गए तो फिर आप अपने गेम पर फोकस नहीं कर पाओगे मैंने ये देखा है सचिन के साथ स्पेशली कि वो ना पेपर पर न्यूज़ पेपर पर क्या लिख रहे हैं हिड इन केयर जस्ट वो उनका परस्पेक्टिव है जो मीडिया वाले लिख रहे हैं या लोग बोल रहे हैं उनका अपना जो समझ है खेल के बारे में उस समझ के हिसाब से वो बात बता रहे हैं ठीक है पर खेलना मुझे आई आई एम द प्लेयर हेयर आई नो आई नो टू गेट टू दिस लेवल वाट आई हैव डन इन माई लाइफ क्या रूटीन मैंने फॉलो किया है क्या ट्रेनिंग करी है उसी ट्रेनिंग पर रहना है तो मेरा मानना है कि ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए सोशल मीडिया है आज के ज़माने में इतना आसान नहीं है उससे आप कि दूर रहो और लॉन्ग टर्म फ्यूचर की प्लानिंग करो कि यार दस साल में ये करियर दस साल का है मेरा मैं इतना कमा लूँ इतना बैंक में डाल दूँ यहाँ इन्वेस्टमेंट कर दूँ यहाँ रियल इस्टेट में डाल दूँ फिर आपके पास इतने बंदे भी ची होते हैं फिर आप बंदे हायर करोगे फिर उनसे बात करोगे तो आपका प्रैक्टिस का टाइम जो ट्रेनिंग का टाइम है जहाँ जो आप फ्री फ्री फ्लोइंग प्लेयर थे उन्नीस साल बीस साल में जहाँ आपने सिर्फ खेल के बारे में सोचा है वो कहीं ना कहीं कम्प्रोमाइज़ होता है ये ये खुद का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ मैं और जो बड़े बड़े लोग हैं जो लेजेंड्स की बात कर रहा हूँ नॉर्मल एवरेज प्लेयर की बात नहीं कर रहा हूँ जो लेजेंड्स की बात कर रहा हूँ वो यही करते हैं और यही मैं इस शो के जरिए मैं युवाओं को बोलना चाहता हूँ कि जितना अवॉइड कर सको सोशल मीडिया उतना अच्छा आपके लिए वो टाइम आप जाके जिम में ट्रेनिंग करो रनिंग करो बैटिंग करो एक्स्ट्रा बॉलिंग करो एक्स्ट्रा फील्डिंग करो बहुत कुछ सीखने हुए क्रिकेट अगर आपको खेलना है तो ये छोटा गेम नहीं आपको बहुत घंटे बिताने पड़ते हैं तो वो घंटा वहाँ इन्वेस्ट करो अपने खेल की बेहतरी के लिए थोड़ा वो ठीक है वो तो न्यूज़ यहाँ मिल ही जाएगी आपको कि यार आपके फादर हैं भाई हैं वो तो फ़ोन करते हो बात करते हो आपको क्या चल रहा माहौल मालूम चल जाता है पर ज़्यादा टाइम गेम पे फोकस करूँ खेल पर क्योंकि मैं मैं देखिए मैं आज का जमा अभी विराट कोहली की बात करूँ जो युवा जो युवा प्लेयर हो युवा, विराट को बहुत फॉलो करते हैं बिल्कुल पर तो विराट कोहली की जो भी आप देखिए <coughs> कमिटमेंट है खेल के प्रति वो बहुत ज़्यादा है वो हमेशा दो की बात करते हैं कि यू नो दो मैं एफर्ट लगाता हूँ जिम की बात करें उनकी आप जो फिटनेस की बात करिए वो तो एक दुनिया के हीरो बन गए मतलब इंडिया ने इनको तो वर्ल्ड वाइड लोग फॉलो करते हैं उनकी ट्रेनिंग उनको नो और वो नहीं कहते सोशल मीडिया पे आओ मुझे जिम करते देखो वो नहीं बुलाते वो अपना काम कर रहे हैं लोग अपने आप आ रहे हैं क्योंकि उनको उन्हें वो फील्ड पे दिखाते हैं जो काम वो जिम में कर रहे हैं वो फील्ड पे उसका जो भारत के लिए स्कोर करना रन बनाना जिताना उसके फैन है लोग प्लस आपके फिटनेस जो आपने रूटीन बनाया हुआ है पर मुझे नहीं लगता कि विराट कोहली ने कभी भी कॉम्प्रोमाइज किया होगा कि यार ना मेरा कमिटमेंट है आज शूट का या यू नो मुझे एक मेरे मैंने घर खरीदा वहाँ मुझे मीटिंग पे जाना है उसको

वो ऐसे इंसान थे कि वो ग्राउंड पे आए नो जिस तरह से वो चल के आते हैं यू कैन मेक आउट की बॉस यू नो इज़ इन द जोन इज इन द जोन वेयरिंग इंडिया टी शर्ट तिरंगा यहाँ जो हमारा होता है टी शर्ट पे उसको पहन के वॉक करने का जो उनका तरीका है ना सबसे अपार्ट है वो जब क्योंकि हम लोग वेट कर रहे थे ना कि विराट कोहली जब विराट आते हैं तो वो शोर मचता है फैंस बोलते हैं वो अरे विराट आ गया। विराट विराट आ गए धोनी के साथ भी सेम है वो जब उतरते हैं तो लोग पहले से ताली मारना स्टार्ट करते हैं विराट के साथ भी ऐसे ही जब वो किसी फैन को भी विराट की चेहरा दिख गया कि यार वो अब ना वो विराट कोहली उतरने वाला है वो शोर ग्राउंड पे मचता है उनका एक है वो फेम बन गया है तो वो बंदा आएगा ग्लव्स और बैट लेके उतरते हैं कोई पैड नहीं कुछ नहीं उनका रूटीन है एक्जैक्टली exactly मैच से पहले मैं ये फाइनल्स की बात कर रहा हूँ जो अहमदाबाद में हुआ था या उससे मुंबई में से की बात कर रहा हूँ ओवरऑल उतरते हैं नॉकिंग किया बैटिंग करी बहुत कम लोगों को देखा है कि ना वो फिर बैटिंग के बाद उतनी कैच पकड़ते हैं भले शॉर्ट कैश लेंगे फिर स्लिप में कैश लेंगे फिर हाई कैश लेंगे फ्लैट कैश लेंगे उनका अपना रूटीन है खेलने का और उसमें वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते डजन मैटर कि दो दिन पहले सौ मारा है थके हुए हैं

नाउन फोर्टी थ्री तो ठीक है अभी थोड़ा मैं चिल भी, <laughs> चिल भी कर रहा हूँ चलता है पर विराट की बात कर रहा हूँ वो बहुत अनुशासन में तो नंबर वन है बहुत mm. आगे इसीलिए इतना अभी भी खेलना देखिए थर्टी सिक्स होने जा रहे हैं वो और इतने फिट हैं mm. सौ मारते हैं पूरी फील्डिंग करने आते हैं स्लिप में कैच पकड़ते हैं डाई मारते हैं स्लाइड करते हैं चिल्लाते हैं नो करते हैं अपनी टीम को ये एनर्जी के लिए जो डिस्ट्रेक्शन है वो आपको कम करनी पड़ेगा फोकस गेम पे करना पड़ेगा अच्छा यू नो स्पीकिंग ऑफ कमर जैसे अभी हमने आपकी और युवराज की बात करी आपकी पार्टनरशिप की यू um, नो you know, एक चीज़ जो मैं आपसे पूछना चाहती थी कि एक होती है कि हमारी पार्टनरशिप ऑन द फील्ड बहुत बढ़िया है hmm. कि हम आंखों से बता सकते हैं कि रन लेना है कि नहीं hmm. वो फ्रेंडशिप ऑफ फील्ड क्या इम्पोर्टेंट होती है या एग्जिस्ट करती है देखिए दोस्ती ऐसे करो कि जान निछावर कर दो वो दोस्ती होती है और दोस्ती में जब आप आ, <coughs> दोस्ती में फिर आप एहसान नहीं होता कि यार ना मैं तेरे लिए वो किया था तो भूल गया बेटा ये किसी को बोलना होता है यार मैंने उसकी मदद कर दी आई आई डोंट डू दैट आई वुड नेवर डू दैट फ्रेंडशिप का मतलब होता है कि फ्रेंडशिप में फिर वो सम्मान रिस्पेक्ट और जान इछावर करने वाला वो जो जज्बा वो होना चाहिए टीममेट्स में फ्रेंडशिप जरूरी है बिल्कुल बताता hmm. तो रहा हूँ मेरा युवराज सिंह का मैं सबकी बात नहीं कर सकता <coughs> पर युवराज सिंह का बता रहा हूँ कि uh, अगर साठ पे पाँच है और मैं युवराज सिंह क्रीज पे है जस्ट टू सी युवराज सिंह अलॉन्ग साइड विथ मी इन दैट मोमेंट वेन वेन वी आर फीलिंग प्रेशर सिक्स पाँच विकेट गिर गई बुरा हाल चल रहा है पर वी हैड दिस बिलीव कि वी कैन टर्न दिस अराउंड एंड दैट कम्स विद दैट द थिंग यू स्पोक अबाउट फ्रेंडशिप जानना नो you know, उसके बारे में कि कैसा क्या सोचता है हंसी मजाक तो वो बिलीफ फ़र्क पड़ता है गेम पे हंड्रेड परसेंट जो दो ओपनर होते हैं साथ में से उतरते हैं शिखर धवन रोहित शर्मा बहुत अच्छे दोस्त हैं उनका आप देखिए एज एन ओपनर बहुत बढ़िया रिकॉर्ड है भारत के लिए शिखर धवन रोहित शर्मा क्योंकि तो वो वो सम्मान भी है रिस्पेक्ट है मज़े करते हैं मस्ती करते हैं बाद में ऑफ फील्ड दोनों यू नो जिंदा दिल इंसान है दोनों बहुत ही यू नो खुश मिजाज तो वो फर्क पड़ता है फील्ड पे उसका इम्पैक्ट दिखता है वही युवराज सिंह और, और, और मेरे में था कि वो दोस्ती के साथ साथ खेल में जब दबाव होता है कि भाई तो मेरे साथ है फिर हम दुनिया की सोचते कि यार दुनिया क्या सोच रही है लोग कह रहे हैं कि चांस ही नहीं इंडिया हारने वाला है लोग को सोचने दो लोग टी बंद कर देंगे घर पर कि यार नो चांस इंडिया कैन नॉट विन फ्रॉम हियर जैसे मेरे नेटवर्स ट्रॉफी के बाद बताई मेरे पापा चले गए थे घर से बंद करके टीवी बंद करके वो निकल गए मूवी देखने की यार अब तो सचिन देवदास देखने चले गए शाहरुख खान की मूवी थी वो तो उनकी गलती नहीं है मैं पापा को अभी बोलता हूँ मैं घर पर था तीन दिन पहले इलाहाबाद में ही था अभी तो उन्होंने बोल रहा पापा आपकी गलती नहीं है वो सबने टी बंद कर दिया <laughs> था आपने बंद किया आप अलहदा नहीं हो अलग नहीं हो किसी साहब बिल्कुल जो वन पॉइंट थ्री बिलियन की जो हमारी आबादी है वो ऑलमोस्ट सभी ने बंद कर गए <laughs> चले गए थे <ते> बाहर अपना <laughs> खाना वाना खाना शनिवार का दिन था वो तो डोंट फील बैड यू मिस आउट

दवा दवा वाला मैच भी आप निकाल के ले जाते हो सामने अगर आपका एक अच्छा दोस्त बल्लेबाज साथ में हो तो तो इमोशनल कनेक्शन भी ऑफ फील्ड काफी रोल प्ले करता है आपके ऑन फील्ड सक्सेस फर्क पड़ता है फर्क पड़ता है आपकी व्हाट आर द फॉन्डेस्ट मेमोरीज दैट यू हैव यू नो विद योर फ्रेंड्स चलिए युवराज तो हमने सुना बट यू नो एनीथिंग हम लोग तो बदमाश भी थे हम लोग अच्छा? हम लोग बहुत बदमाश थे बिकॉज़ uh, इतना आई थिंक uh, कुमले द्रविड गांगुली सचिन भी कई हद तक हम लोग तरह थे वो देखने में सीरियस थे पर वो उनको भी मजाक मस्ती बहुत पसंद थी कि गेम के बाद ना वो स्विच ऑफ़ करना रूम पे ना पांच छः लोग बैठेंगे बातें हो रही हैं नो टाइम पास हो रहा है मजाक मस्ती उनको भी पसंद था पर और जो प्लेयर थे जैसे कुमले मैंने नाम लिया द्रविड का नाम लिया शिनाज साहब थे उस टाइम पे तो वो बहुत ही यू नो सीरियस हाँ 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 हम लोग थोड़ा सा कि यू नो इफ़ यू गो आउट एंड वी आर हैविंग अ नाइस टाइम से पार्टी पर गए या डिनर पर गया मैं युवराज सिंह भजी या सहवाग या सवाग तो बहुत कम जाते थे हम लोग काफ़ी थे मैं युवराज सिंह ख़ास तौर पर hmm. कि युवराज सिंह को सारे अड्डे मालूम है मुंबई में जब भी हो तो मुंबई में उनको पता है यहाँ ये नया खुला है क्लब यहाँ चलते हैं यहाँ चलते हैं है। दिल्ली में ये नई जगह यहाँ चलेंगे उनको सब मालूम था hmm. और मैं छोटा शहर से आया था थोड़ा नो छोटे शहर से निकल के तो मैं युवराज सिंह को फॉलो करता था, था भाई युवराज सिंह कहाँ चलना भाई बता दे आज मैं प्रैक्टिस हो गई जिम कर लिए ट्रेनिंग हो गई अब शाम का क्या प्लान है हाँ। तो वो उनके पीछे हम लगते थे हाँ। युवराज सिंह तो अगर मान लो थोड़ा सा इंजॉय कर रहे हैं थोड़ा सा अगर वहाँ मज़ा आ रहा तो वी कैन अफोर्ड टू कम बैक अ अलिटी लेट कि घंटा चला और बैठ जाते पर हमारे सीनियर नो चांस दस बजे लाइट ऑफ सो गए अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज ब्रेकफास्ट करना ये सब उनका प्रॉपर अनुशासन द्रविड़ ये साउथ वाले इतने साउथ के प्लेयर होते हैं तो ज़्यादा अनुशासन दिखाते हैं पर हम लोग थोड़ा नॉर्थ के कल्चर में आप ब्रिंगिंग हुई थोड़ा सा फर्क पड़ता है नॉर्थ इंडियन कल्चर थोड़ा है अबे चल जाए ठीक है एक घंटा और बैठते हैं अभी कहा जाए तू तो बैठ यार वो तो बिठा लेंगे झूठ मोट जाना उसका पर वो नहीं बैठ यार दोस्त बैठा भाई तरह बैठ तो ही बैठ तो उस कल्चर में हम बड़े हुए तो एक आध घंटा यहाँ वहाँ चलता था और हम लोग थोड़ा सीनियर्स का अगर कोई मौका मिल जाए मान लो फील्डिंग छूट गई या कैच छूट गया गांगुली से तो हम लोग आई कॉन्टैक्ट में माहिर थे मैं सिंह युराज सिंह पॉइंट पे मैं कवर्स पे दोनों बिल्कुल करीब होते थे कि जब स्टार्ट लगे दोनों आगे आते तो यहाँ मिलते थे हमेशा तो मुझसे देखा देखा फील्डिंग और लोग आपस से बोल के मोमेंट पे वो मिलता था चार दस सेकेंड के समय ऐसे वॉक करके आगे आए यही हमने बात कर ली बॉस यार देखा दादा यार इतनी बातें करता है फील्डिंग में अभी थोड़ा काम करना है। ये करके वापस या आगे आए फिर बात किया यार कैच बन सकता था ट्राई नहीं किया दादा ने करके वापस तो ये हम दोनों की यू नो मजाक मस्ती टाइम पास करना ये बहुत था भज्जी भी थे उसमें सवाग भी थे पर हम दोनों ज़्यादा ग्राउंड पर फील्ड में भी साथ में थे तो देख रहे दादा को ऐसे करके एक एक दो लाइन वन लाइन ना देन यू गो बैक टू योर मार्क

मैं तो नया नया था मुझे तो इतना कैमरा कैसे फेस करता मुझे हैड नो आइडिया तो वो तो खुश बॉलीवुड के स्टार उनको तो आइडिया था कैसे करते हैं कैमरा फ़ेस तो बेसिकली ना हमें कुछ शॉट देना था कि दोनों पकड़ेंगे उस पैकेट को और फिर ऐसे हंसना है हुँ. ऐसा कुछ था तो मैं नर्वस था मुझे मेरी हंसी निकले ना तो वो कह रहा नहीं यार थोड़ा और करो और करो तो फिर उसने मुझे बताया सैफ़ ने कि ऐसा करो यू स्टार्ट फ्रॉम हेयर अगर कैमरा वहाँ है सामने तो आप ऐसे मन देखो सीधा आप थोड़ा लेफ्ट जाओ और फिर ऐसे देखो हुँ. तो मैंने कहा अच्छा करते मैंने ऐसे किया ऐसे किया डन <laughs> टेक टेक डन फर्स्ट क्लास आ गया तो उसने बोला मैंने कहा बड़ा आसान काम था ये तो हुँ. तो एक्चुअली ही ई टॉट मी हाउ टू फेस कैमरा और मुझे याद है वो अभी भी कहानी कि अरे यार अच्छा है तो सब चीज़ें सीखनी पड़ती कि हमें तो खेलने ही आते थे ग्राउंड पे डाइ मारा कपड़ा गंदा किया आ गए वापस पर एक्टिंग uh, भी एक अलग पहलू होता है प्लीज हाउ डू मीट योर वाइफ इज एन एंकर वाइफ को पहली बार uh, मैं अपने दोस्तों के साथ था बाहर और मैं आटे इन नोएडा नोएडा से जी uh, थोड़ा uh, बीच का रास्ता मतलब थर्टी फाइव फोर्टी मिनट्स में पहुँच जाते हैं तो वहाँ मैं दोस्तों को बोलता भाई वहाँ मिल लो और दूर नहीं आ रहा हूँ मैं तो देन यूज शैलोम जीके में नाइस प्लेस म्यूजिक एंड गुड फूड एंड ऑल सो माई वन ऑफ माई फेवरेट प्लेस टू गो सो वहाँ दोस्तों के साथ था मैं और शी वॉज देर विद फ्रेंड्स एंड आई सॉ हर देर एंड आई थो शी इज पटी शी इज नाइस तो मैं uh,

बैठ गए पाँच दस मिनट के लिए बैठे एंड देन वी एक्सचेंज नंबर्स एंड बस अब फिर शादी हो गई <laughs> फिर बच्चे हो गए और नो इतिहास के पन्ने पे वो वो जो शलोम की मीटिंग अब शलोम की मीटिंग है है <laughs> जी 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 बट दैट्स सो स्वीट मतलब सच एन ऑर्गेनिक लव स्टोरी तो उसमें आई डोंट आई डिड दैट आई वाज नॉट यूज्ड टू इट

वी आर ऑन कॉल नो लॉन्ग डिस्टेंस कि मैं अगर वेस्ट इंडीज में हूँ या इंग्लैंड में जा रहा हूँ ट्रैवल कर रहा हूँ तो फोन पे काफ़ी बात होती थी पर मिलने का मौका नहीं मिला तो इसीलिए हम लोग छः सात साल तक पहले डेट किया फिर दे गॉट मैरिड हैव टू लवली When they grow up. do you have any ambition or you're just uh, like? My उसको शौक फुटबॉल का है बेटी अभी सात साल की है तो अभी थोड़ा वो शिशवान एट होम थोड़ा नोटी है ठीक है

2000 में इंडिया के लिए डेब्यू किया तो उस टाइम पे इतना सोशल मीडिया फ़ोन पे मूवी देखने का कल्चर नहीं था वहाँ पर उस टाइम पे कि आप नेटफ्लिक्स आ गया हो या आईपैड कैरी करो तो ज़्यादा गाने सुनता था गाने सुनना मतलब कोई भी गाने पहले कि मेरे 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 मैंने स्टार्ट किया गजल से मेहंदी हसन साहब मोहम्मद रफ़ी किशोर कुमार लता मंगेशकर क्योंकि तो मेरे फादर बहुत सुनते थे जब भी मैं मेरे कान में वो जो वो गज़लों की यू नो आवाज़ हमेशा सुनाई सुनता था मैं कि वो बहुत ही उनको शौक था गाना सुनने का तो मैं जब बड़ा होता था, तो मैंने बहुत गाने सुने पुराने वाले फिर मैं हॉस्टल गया तो मैंने वही पैटर्न फॉलो किया फिर बाद में डिस्कवर डिफरेंट म्यूजिक इंग्लिश भी सुनने लगा फिर पंजाबी भी आ गई पंजाबी तो याद है वाक्य कि पंजाबी में इतना मैं मुझे एक फेस था जहाँ पंजाबी गाने मुझे इतने पसंद हो गए थे वो भी यूके वाले जो सिंगर हैं यूके के जो इमरान खान नहीं यूके में जो सिंगर होते हैं ना वो वो ठेठ पंजाबी में गाना गाते हाँ, हैं जो यूके के सिंगर वहाँ लोकल हाँ, जो हाँ, दे आर बॉट नॉट फ्रॉम इंडिया गरे, गरे। इंडिया से उनके फोर फादर पेरेंट्स हैं पर वो लोग वही पैदा हुए तो उनका मैंने बहुत गाने सुने वो आर डी बी करके है उनका वो वो ढोल वो अच्छा उनका ढोल अच्छा है तो बहुत सुना मैंने तो मैं अनिल कुंबले मेरे आगे बैठते थे टीम बस में अनिल कुंबले आगे बैठे मैं उनके पीछे तो मैं सुन रहा था गाने अपना ऐसे लगा करता उसमें वॉकमेन का जमाना था वो जो हेडफोन लगा के तो उन्होंने बोला यार क्या सुनो सुनाओ मुझे तो मैंने लगा दिया मैं तो सुनो पाजी ये लो तो वो सुने दो एक दो पाँच दस मिनट सुना वापस कर दिया मैंने कहा कैसा लगा बोला यार सारे गाने जैसे लग रहे हैं सारे गाने एक जैसे <laughs> <laughs> कोई फ्लेवर है ही नहीं हाँ. तो ही डेंट लाइक इट बट आई आई इन्जॉयड माई पंजाबी म्यूजिक देन उसके बाद इंग्लिश भी आया है, फिर हम एमनटी म्यूजिक आपकी करंट आर्टिस्ट कौन है फेवरेट म्यूजिक में करंट अभी मैं अह अरिजीत सिंह को बहुत सुनता हूँ मैं हमम अरिजीत सिंह काफी अच्छे बीच में एआर रहमान का मैंने बहुत सुना उनकी म्यूजिक बहुत शानदार होती है अह रहमान की म्यूजिक और अरिजीत सिंह का अच्छा काम होता है तो मैं फॉलो करता हूं अच्छा अब आप कमेंट्री uh, करते हो मैं आपको एक किस्सा सुनाती हूँ मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त है जय वो और मैं कॉलेज गए थे वो अंडर 19 केन्या के लिए खेल चुका है जैसे हो जाती तो uh, वो अच्छा क्रिकेट खेलता था पर हम लोग बिजनेस स्कूल में मिले थे तो यू नो आमतौर से क्या होता है कि टीवी पे आप मैच देख रहे होते हैं हम वहाँ पे कोई देख रहे होंगे मैच अब मैंने ऑब्वियसली कभी क्रिकेट नहीं खेला है तो मुझे क्या ही पता होगा बट यू नो एक इंसान की आदत होती है कि आपने बैट भी नहीं पकड़ा पर आप यू you नो know, उनको बोला अरे सारे, एक्सपोर्ट था। सारे एक्सपोर्ट तो तब उसने मुझे बोला था कि ये ज्यादा हर्षा भोगले माल तो कभी जिंदगी में पकड़ा नहीं है तुझे तो क्या मालूम कैसे शॉट खेलना है तो आई वॉन्ट कि उसके बाद से उस दिन से वाकई मैंने नहीं कुछ इज राइट मुझे क्या पता बट आपको तो पता है तो आप जब कॉमेंट्री करते हो आपको लगता है कि यार अरे ये रह गया ये ऐसे कर लेते हैं मन में। हाँ हाँ बिल्कुल तो हमारा तो काम ही है मतलब हम तो आ, जो मेरा अपना बता सकता हूँ हर हर कमेंटेटर की अपनी स्टाइल होती है बात करने की मेरा अपना होता है कि जो जो सच्ची बात हो ना मैं एक्चुअली आई मेरे जो फैंस हैं जो मुझे सुनना चाहते हैं मैं चाहता हूँ उनसे मैं कनेक्ट कर रहा हूँ थ्रू नो माइक के जरिए अपनी आवाज़ के ज़रिए आप क्या बोल रहे हो क्या सोच रहे हो गेम के बारे में तो मैं ये सोचता हूँ कि अगर मैं जो सच्ची बात हो एक तो मैं खेला हूँ मैं कैप्टन रहा हूँ बैटर नंबर सेवन फिनिश द गेम फॉर इंडिया तो काफ़ी स्किल है मेरे पास एक तो फिनिशिंग की है कैप्टन किया हो तो मुझे एग्जैक्टली exactly पता है कि जब नया प्लेयर टीम में आता क्या सोचता है उसकी मानसिकता क्या होती है तो वो फेस पता होता है फील्डिंग में एंगल्स के बारे में मुझे आईडिया है तो मैंने वो सब मैं चीज़ें में कॉमेंट्री में लेके आता हूँ और जो सच्ची बात होती है मैं चाहता हूँ वो मैं बोलूँ कि कभी कभी विराट कोहली इतने महान बल्लेबाज हैं पर अगर वो खराब शॉट मार रहे हैं तो मुझे बोलना, बोलना है हुँ. सच्ची बात कि यार ये शायद इस वक्त पे इस हालात पे ये चीज रिक्वायर्ड नहीं थी yeah. तो और मूव ऑन कि मुझे कोई एजेंडा नहीं कि मैं उनके पीछे पढ़ना है या किसी पर्टिकुलर प्लेयर के मेरे पीछे पढ़ना है मैं अपनी बात सच्ची बात बोल के जो फैंस जानना चाहते हैं कि यार अच्छा हुआ क्यों तो मेरा ईमानदारी से ये दिल में होता है कि भाई एक आ, सच्ची बात पहुंच जाए जो जो टाइम निकाल के खेल को देखते हैं जो पैशनेट फैंस होते हैं जो काम छोड़ के भी लगे रहते हैं फ़ोन पर देख रहे हैं टीवी पे पर देख रहे हैं तो क्रिकेट को इतना प्यार करते हैं और क्रिकेट के उन, उन फैंस के, 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 ब, के बद, आ, बदौलत हम लोग यहाँ पे हैं अगर इतना लोग वॉश नहीं करेंगे तो शायद लोग इतना काम भी नहीं मिलेगा अगर व्यूवरशिप नहीं है लोग अटेंशन आट, नहीं देंगे उसको इतना अ uh, सामान नहीं मिलेगा प्लेयर्स को तो हम लोगों का भी काम कम हो जाता है पर मैं ये चाहता हूँ कि मैं कनेक्ट करूँ डायरेक्टली अपने yes, कमेंट्री के जरिए कि जो सच्ची बात हो वो बोलूं अ hmm. uh, कमेंट्री बॉक्स में अमेजिंग थैंक यू केफ फॉर योर टाइम फॉर अ वंडरफुल कन्वर्सेशन थैंक यू इट वाज अ प्लेजर एंड होपफुली आई विल सी यू सून यस थैंक यू सो